एलईडी को होल्डर में लगा के चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों, या बंद होके चालू हो रही है, ब्लिंकिंग कर रही है। तो इसे निकाल के ओपन करते हैं। इसका हेड से निकाल के सोल्डर से इसका वायर निकाल लेंगे, 220 सप्लाई। अब हम इसमें सीरीज का वायर जोड़ते हैं और फिर इसे चेक करते हैं। हमारा दोनों वायर जुड़ गया है। अब इसको लगा कर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, बंद होकर चालू हो रही है। उसकी सप्लाई निकाल के इसमें प्रॉब्लम, दो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम दो तरह से आती है। एक तो या जो कैपेसिटर लगा है इससे आती है, या फूल जाता है तभी प्रॉब्लम आती है, और दूसरी प्रॉब्लम एलईडी से आती है। एलईडी का एक बल्ब काला पड़ गया है, तो जल्दा शॉर्ट करने पर मतलब एक बल्ब फ्यूज हो चुका है इसमें। इसको क्या कर देंगे, हम इसको उखाड़ के शॉर्ट कर देंगे। चिमटी की सहायता से इसे उखाड़ देंगे और इस पर सोल्डर मार के शॉर्ट कर देंगे। इसको सोल्डर मार के शॉर्ट करके फिर चेक करते हैं उसको। अभी देखिए दोस्तों, ये ग्लो कर रही है, ये कैमरे में सही से नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम सही हो गई है। इसका वायर निकाल के हम फिर से जैसे था वैसे कनेक्शन कर देते हैं और फिर चेक करते हैं इसको। सही तरह से बैठा के इसका कैप लगाकर बंद कर देते हैं।
अब इसको बोर्ड में लगा कर चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी एलईडी सही हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।